एक बार फिर रुक कर लेते हैं बारिश की ओर। इंद्री हल्के के गांव रामपुरा में पिछले दो दिनों से हुई बारिश में गांव के स्कूलों में दो दो फुट पानी घुस गया, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी। वहीं पर लगातार हुई बारिश में हल्के के काफी गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, क्योंकि कई जगह पर पानी की निकासी न होने का कारण यह स्थिति उत्पन्न कर गया। हालांकि प्रशासन ने आनन फानन में जल निकासी के प्रबंध शुरू किए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। स्कूल के अध्यापक वीरभान ने बताया कि स्कूल में अधिक पानी भर जाने से स्कूल को चलाने में विलंब हुआ है, जिस वजह से बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी है। उन्होंने कहा कि इस पानी की वजह से जहरीले जीव जंतु भी पैदा हो जाते हैं, जिससे स्कूल के बच्चों की जान को खतरा बना रहता है, इसलिए ही स्कूल की छुट्टी कर दी गई। स्कूलों में पानी भर चुका है, स्कूल में दो दो फुट पानी खड़ा है, स्कूल के बच्चे जो है उनकी छुट्टी कर दी गई है। मास्टर वगैरह ने कोई भी आगे स्कूल में किसी तरह का कोई सुध बुध नहीं ली। तो प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं भी जल्द से जल्द हमारी समस्या का हल किया जाए और पानी की निकासी किया जाए और हमारी फसलों को बर्बाद होने से बचाया जाए। स्कूल में पानी भरा हुआ है, बच्चे सारा का सारा है ना जीवन अस्त व्यस्त हो गया, और बच्चों के मतलब इसमें यहाँ पर सांप है ना, सांप भी घुस जाते हैं, जिससे बच्चों की जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको देखते हुए सरपंच महोदय और मैंने ना आज यही निर्णय लिया कि बच्चे है ना बच्चों को बाहर से ही वापस भेज दिया था, क्योंकि इसलिए है ना, इसलिए बच्चों का ना बच्चों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सांप है या और कोई कि उसको काट सकता है और बच्चा बच्चे की जान खतरा हो सकता है। इसलिए इसको देखते हुए उच्च अधिकारियों की इसकी बारे में लिखित शिकायत दे दी जाए। टीम को भी अगर ऐसे रहा तो बिल्डिंग भी नीचे धस सकती है, और बच्चों को है ना बच्चा अगर मान लिया बच्चे बिल्डिंग के अंदर बैठाए जाते हैं तो बिल्डिंग धसने से उसका जिम्मेवार उसका कौन होगा? शांत तो पूरे सारा स्कूल का कैंपस है और कई कमरों के अंदर भी पानी भरा हुआ है,